प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भाई प्रिंसिपल सर को रिमिशन ऑफ फाइन के लिए, यदि किसी क्लास टीचर ने, किसी टीचर ने आपको फाइन चिपका दिया है, फाइन लगा दिया है आपके ऊपर, तो प्रिंसिपल सर को कैसे लिखेंगे रिमिशन ऑफ फाइन की, भाई फाइन की माफी की जाए, मेरी इसमें गलती नहीं थी, और यू वुड एक्सप्लेन कि भाई क्या रीजन रहा कि भाई आपको फाइन लगाया गया है, पहली चीज। एंड सेकंड चीज ये है कि इससे पहले मैंने सिक लीव एक समझाया हुआ था, बहुत सारा प्यार दिया बच्चों ने, बहुत ही बच्चों ने देखा है उसको, तो प्यारे बच्चों ये भी आप सीख लीजिए, ये भी आपके काम आने वाली है। फाइन यदा कदा कभी चिप जाता है, लग जाता है, तो उस फाइन से बचने के लिए आप प्रिंसिपल सर को कैसे पत्र लिखेंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, सो डेट कि प्रिंसिपल सर को आप पे विश्वास हो जाए कि हाँ भाई बच्चा है समझदार, गलती से फाइन चिपका दिया गया है, सो डेट कि आपके जो वो पैसे हैं फाइन वाले बच जाए और उन पैसों के आप चौमिन बर्गर पैटीज खा सकें। सो लेट स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। लेट मी सेलेक्ट। चलिए, राइट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आप आजकल पेपर चल रहे हैं तो बेसिकली 6, 7, 8, 9 ग्रेड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके हो सकता है एग्जाम में पूछा भी जा सके, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आप इसको समझ लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक होता है मार्जिन, जैसे मैंने पहले ही बताया था पहली वीडियो में कि जो आपकी नोटबुक होती है ना, तो इस तरह से लाइंस लगी होती है नीचे और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना। तो देन यू विल राइट द प्रिंसिपल टॉप रैंकर स्कूल हिसार, देन यू यू कैन लीव अ स्पेस और यू मे नॉट, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहे तो मत छोड़िए। देन यू विल राइट रिमिशन ऑफ फाइन, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना होता है, नेवर पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर दीज सेंटेंसेस। रिमिशन ऑफ फाइन, रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर, एस कैपिटल लिखना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, देन पुट अ कोमा, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट, स्टेट का मतलब होता है कहना, आई विश टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, आर इंग्लिश टीचर गेव अस अ टेस्ट ऑन मंडे, मंडे को हमारे इंग्लिश टीचर ने एक टेस्ट लिया था, आई कुड नॉट टेक द टेस्ट। टेक मीन्स होता है, जब भी टेस्ट वगैरह होता है ना बच्चो, तो उसमें आपको टेक इस्तेमाल करना होता है, क्या इस्तेमाल करना होता है? टेक, गिव नहीं होता है, गिव मीन्स तो देना हो गया, टेक मीन्स क्या होता है, यू आर टेकिंग एग्जाम सो दैट यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ, अपने आप को जान पाओ कि भाई हम कितने पानी में हैं। एंड आई कुड नॉट टेक द टेस्ट एज आई वॉज इल ऑन दैट डे, द टीचर हैज फाइन मी 20 रुपीज, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई हैव ऑलवेज गुड गॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। आप बताएंगे कि भाई मैं तो उस दिन अब्सेंट था, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन सर ने मेरा फाइन चिपका दिया है, सो यू विल राइट आई एम गुड एट इंग्लिश, आई हैव ऑलवेज गॉट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, आई हैव नेवर मिस्ड एनी टेस्ट टिल डेट, आई इफ आई हैड बीन वेल ऑन दैट डे आई वुड हैव टेकन द टेस्ट, यदि मैं उस दिन ठीक होता तो भाई टेस्ट तो मैं दे देता, आई एम विलिंग टू टेक द टेस्ट एनी टाइम, भाई मेरा किसी भी समय टेस्ट लिया जाए मैं दे दूंगा, आई एम रेडी टू टेक द टेस्ट, गिव नहीं बोलना है, आई एम रेडी टू टेक द टेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिमिट द फाइन, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, योर्स ओबीडियंटली। लास्ट में आप क्या लिखेंगे? योर्स ओबीडियंटली, एंड यू विल राइट ओबीडियंटली की स्पेलिंग याद कर लो बच्चों, ओ छोटा आएगा और योर्स ऐसे लिखते हैं, योर्स OBEDIENTLY, या यू कैन राइट फेथफुली, फेथफुली, ठीक है, ये दोनों ही छोटा लिखना होता है, स्मॉल लेटर्स में लिखने होते हैं ये। देन यू विल राइट द नेम ऑफ योर्स नेम, देन क्लास एंड देन द डेट शुड बी इन दिस फॉर्मेट ओनली। तो प्यारे बच्चों देखो ना, 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट में हमने अपने फाइन माफ भी करवा लिया प्रिंसिपल सर से। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप ये एप्लीकेशन याद कर लेंगे, आपके भविष्य में भी काम आएगा, आप शरारत नहीं करते तो आपका दोस्त शरारत करता है, तो इस तरीके से आप अपना फाइन माफ करवा सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।